ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माय टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सबसे बड़ी खबर, एक ही परिवार के चार सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या की है। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त है कि एक ही परिवार के चार लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। कानोता थाना इलाके के जामडोली की एक घटना है, माता पिता और दो बच्चों ने सामूहिक आत्महत्या की। अब सूचना पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं, FSL को भी मौके पर बुला लिया गया। क्या वजह इसके पीछे रही और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। हालांकि क्या वजह रही है ये अभी तक साफ हो नहीं पाई है। आला अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर, जो परिजन हैं या फिर जो आसपास के लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। जयपुर से बड़ी खबर आपके सामने और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्य, सबसे पहले तो कौन है ये चारों और क्या इनको लेकर जानकारी अभी मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी घटना है और जो हमारे पास सूचना आ रही है कि इसी सोनी परिवार है जिसके अंदर मृतका ममता सोनी है जो कि 41 वर्षीय है, और साथ साथ जो तीन युवक बताए जा रहे हैं वो अभी तक पता नहीं होता है कि वो पुत्र हैं या इनके साथी हैं। हालांकि एक घर के अंदर चारों डेड बॉडियां लटकी हुई मिली है, यानी कि सामूहिक आत्महत्या इन लोगों ने की है, सभी बालिग है। फिलहाल जो इस घटना के कारण आसपास के जो पूरा क्षेत्र है जामडोली का, वहां पर दहशत फैल गई है, भारी भीड़ का जमावड़ा हो गया है। पुलिस के अधिकारी समेत जो FSL की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है, कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ कारण रहा घटनाक्रम का। बीती रात इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया सामूहिक। अगर जयपुर की बात करो तो शायद पहली बार ये ऐसा हुआ कि सामूहिक चार लोगों ने, एक परिवार के लोगों ने, चार लोगों ने सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मुखर पहुंच चुकी हैं और उनकी जो शव है वो नीचे उठाए जा रहे हैं, जिससे कि उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे भेजा जा सके। जी सत्य, बच्चे कितने बड़े हैं? आपने कहा कि चारों ही बालिग हैं। बिल्कुल, चारों बालिग है। जो मतलब प्रारंभिक सूचना आई थी कि दो बच्चे बताए जा रहे हैं, हालांकि ये जो महिला है मृतका ममता सोनी, इसके तीनों पुत्र बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो सका क्योंकि परिवार में कोई बताने के लिए बताया नहीं कि कौन किससे क्या संबंध था। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी आसपास के लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार परिवार किसका था, कौन किसका पुत्र है, कौन किसके भाई है। तो ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारी उठाई जा रही है, जिससे कि इनके अगर कुछ परिजन रहते हो तो आसपास में तो उनसे सूचना लेकर अग्रिम। अभी तक सत्य कोई पूछताछ हो नहीं पाई है, जो परिजन है उनसे संपर्क नहीं हो पाया या फिर आसपास के लोगों ने कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी, उनको नहीं भनक लगी, उनको नहीं पता चला कि ऐसा कुछ करने वाले? देखिए बता दूं, आसपास के लोगों से, परिवार सुबह इनके घर पे गया था तो अंदर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कमरे में अंदर जाते ही चारों की बॉडियां ऐसा लटकी हुई थी, तो ऐसे में काफी वो परिवार डर गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस सूचना दी, लेकिन अब इस परिवार के बारे में बताने के लिए कोई बच्चा ही नहीं, तो इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है उनके आधार कार्ड के हिसाब से, उनके प्रत्येक जो गाँव है वहां पर पूछताछ की जा रही है। साथ साथ उनके आसपास के इलाके में उनके जानकार रहते हैं उनको मौके बुलाया जा रहा है, जिससे कि उनको परिवार का पता लगाया जाए। पुलिस वहां पर पहुंची है, ये कारण क्या रहे इसके पीछे उसको जांच की जा रही है, जांचा जा रहा है, लोगों से पूछताछ भी लगातार हो रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरा मामला साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।